नवी मुंबई में मिलिंद सूर्यराव का रोजगार मेला, सैकड़ों युवाओं ने दिया इंटरव्यू, दर्जनों अभ्यर्थियों को मिला नौकरी का ऑफर। हम फ्रेशर से पास आउट अभी तो जॉब मिला तो अच्छी बात है, तो ये मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। लॉकडाउन में जो इसकी समस्या थी वो बहुत इस तरह से सुलझ गई है, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है कि सब दोस्त है बाकी हमारे हमें नौकरियाँ मिली है, ये काफ़ी हद तक हेल्पफुल हुआ है हमारे लिए कि हम हमारे बाजू में आके हम इंटरव्यू दे सकते हैं। अच्छे नहीं साथ ही बात कर रहा हूँ, जॉब मिल रहा है अच्छा हो रहा है, हमें अच्छा बोल दिया है क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है अभी कोरोना की वजह से, तो उन्होंने जो मेला रोजगार मेला रखा है तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका धैर्य से अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें जॉब प्रोवाइड किया, इसलिए उनका शुक्रगुजार हूँ। लॉकडाउन की आर्थिक तंगी में नौकरी और रोजगार गंवा चुके लोगों के लिए सानपाड़ा का यह जॉब फेयर बड़ा वरदान साबित हुआ। शिवसेना के उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्यराव एवं शुभांगी सूर्यराव द्वारा सीआईआई मॉडल कैरियर सेंटर के सहयोग से आयोजित इस रोजगार मेले में कई नामचीन कंपनियों ने अपना स्टॉल लगाया, जहां सैकड़ों युवाओं का साक्षात्कार लिया गया। जॉब फेयर के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे शिवसेना जिला प्रमुख विट्ठल मोरे और एनसीपी जिला अध्यक्ष अशोक गावड़े ने कहा कि लॉकडाउन की आर्थिक तंगी में नौकरी दिलाना जीने का आधार देना है। उन्होंने मिलिंद सूर्यराव के पहल की जमकर सराहना की। यही शिवसेना का काम है, जब लोगों को जरूरत है तभी उनको साथ देना, उनके साथ चलना, उनके साथ खड़ा रहना, ये बाला साहब जी ने हमें सिखाया है और वो सीखने के वजह से ही हम ये चल रहे हैं। ये इसी का आधार लेके हमारे शुभांगी ताई, उनके सभी साथी, उन्होंने आज का ये जो मेले का आयोजन किया। अभी जिनका क्वालिफिकेशन है, जिनका एक्सपीरियंस है, अलग अलग फील्ड का क्वालिफिकेशन है, इस अलग सभी तरीके लोग इंटरव्यू देंगे और उनका फाइनल इंटरव्यू जिस कंपनी के लिए सिलेक्शन होगा उसी कंपनी में होगा। हमें ये उनका सुख देखना है, उनके चेहरे पे एक मुस्कान देखनी है कि उनको किस तरह की खुशी है। मिलिंद सूर्यराव ये काम कर रहे हैं, उनके साथी हैं और शुभांगी जी हैं, तो ये उनका एक संस्कार है, शिवसेना का एक संस्कार है कि दूसरे के सुख में अपना सुख समझो, ये सुख देखने के लिए आज का यह रोजगार मेला। बहुत से लोगों का सर्विस गया है, जॉब गया है, ऐसे टाइम पे आज शिवाई महिला मंडल और मेरे सहकारी मिलिंद जी सूर्यराव, बाबा जी इंदोरे, श्रीज जी पाटिल, इन लोगों ने यहाँ जो आज कार्यक्रम किया है ये बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है। इसके बारे में मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है। मराठी में कहावत है, पिताजी भीख नहीं देते और माँ रोटी नहीं खिलाती है। ऐसे टाइम पे जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग चिंताक्रांत करके बैठे हैं, सर पर हाथ बैठे हैं, उनके माँ बाप उनके तरफ देखते हैं, लेकिन ना माँ बाप कुछ कर सकते हैं ना युवा वर्ग कुछ कर सकते हैं। ऐसे मौके पे यहाँ आज कम से कम 10-12-15 लोगों को जॉब दिया है, ऑफर लेटर दिया है, उनको सर्विस दिया है। ये एक एक घर में दिया जलाने वाली बात है। मैं हमारे महाविकास आघाड़ी के माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं जॉब फेयर का आयोजन करने वाले शिवसेना पदाधिकारी शुभांगी सूर्यराव और मिलिंद सूर्यराव ने कहा कि शिवाई महिला मंडल के जरिए हमने इस रोजगार मेले का आयोजन इसलिए किया ताकि जरूरतमंद महिलाओं और युवक इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि आज यहां दर्जनों युवाओं को नौकरी का सीधा ऑफर मिला। वहीं नौकरी पाने वाले युवाओं ने कहा कि अपने डोर स्टेप पर नौकरी का अवसर पाकर उन्हें अच्छा लग रहा है। उन्होंने अच्छे इंतजामों के लिए भी आयोजकों का आभार जताया। शिवाई महिला मंडळाचा उद्देश्य आहे की महिलांनी घरी न बसता काहीतरी करावं, पण आता कोरोना या महामारीमुळे बऱ्याच आमच्या मंडळातल्या महिलांच्या नोकरीचा प्रॉब्लेम झाला, त्यांच्या मुलांच्या नोकरीचा प्रॉब्लेम झाला, तर मंडळाच्या माध्यमातून त्यांच्यासाठी काहीतरी मदत करता येईल का, मी असं ठरवलं आणि माझे मिस्टर उपजिल्हाप्रमुख शिवसेना नवी मुंबई यांच्या मदतीने मी त्यांना विचारलं की आपण महिलांसाठी काही करू शकतो का, तर ते बोलले महिलांसाठीच का, आपल्या विभागात कितीतरी तरुण मुलं आहेत जी आता त्यांनी ग्रॅज्युएशन पास केले आहेत किंवा काही कारणामुळे जे नवीन लागले होते नोकरीला, कोरोनामुळे त्यांची नोकरी गेली, त्यांच्यासाठी पण आपण काहीतरी करू शकतो म्हणून हा एक नवीन संकल्प म्हणून आणि मंडळाचं एक नवीन कार्यात एक पुढचं पाऊल टाकायच्या हेतूने आम्ही रोजगार मेळाव्याचं आयोजन केलं होतं आणि त्याच्यात खूप आम्हाला सक्सेस रिस्पॉन्स खूप मिळाला। शिवाई महिला मंडळ, सानपाडा सामाजिक संस्था, या माध्यमातून या सानपाडा विभागातील
मुला मुलींकरिता जे बेरोजगार आहेत त्या सर्वांकरिता आज रोजगार मेळावा आयोजित केलेला आहे। हा रोजगार मेळावा आयोजित करत असताना माझे सहकारी शिरीष पाटील असेल, बाबाजी इंदूर असेल, या सर्वांच्या सहकार्याने आजचा रोजगार मेळावा सक्सेस कसा होईल, जास्तीत जास्त मुलांना नोकरी कशी लागेल आणि त्या नोकरीच्या हेतूने आज कोरोना कालावधीमध्ये बघितलं असेल बऱ्याचशा नोकऱ्या मुलांच्या गेलेल्या आहेत। घर कसं चालवा हा प्रश्न इकडच्या मंडळीला पडला आणि त्यासाठी शिवसेनेच्या माध्यमातून, शिवाई महिला मंडळाच्या माध्यमातून आणि सानपाडा सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही सर्वांनी आज 8 ते 10 कंपन्या या ठिकाणी आज मुलांना मुलाखती घेण्यासाठी आज उपलब्ध आहेत। जास्तीत जास्त मुलांना ऑफर लेटर देऊन आजच्या आज आमची अपेक्षा आहे की किमान 8 ते 10 लोकांना नोकरीत लागलं जावं। पुढे त्यांच्या इंटरव्ह्यू शेवटची जी मुलाखत जी होईल त्या मुलाखतीमध्ये 50, 100 किंवा 20-25 मुलं या ठिकाणी जर सानपाड्यातून नोकरीला लागली तर निश्चितच बाळासाहेबांचं स्वप्न जे आहे 80% समाजकारण ते पूर्ण करण्याचं काम आमच्या माध्यमातून आम्ही करण्याचा प्रयत्न करत आहोत आणि नक्कीच आजच्या या मुलाखतीमधून जास्तीत जास्त मुलांना नोकरी लागेल ही अपेक्षा। इस अवसर पर विभाग प्रमुख सुरेश पाटील, समाज सेविका रेखा सुरेश पाटील, शाखा प्रमुख बाबाजी इंदौरे, साधना बाबाजी इंदौरे समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।